हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के ऊपर। तो देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कैसे क्या फीटस के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा चार्ट बनेगा और मतलब डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को हम चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे ताकि आपका थ्योरेटिकल और डायग्राम मतलब दोनों चीज़ें आपको इसी जो भी मैं इस वीडियो में बनाऊँगा सारी इसी वीडियो से कम्प्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीटस के हर्ट से। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फीटस का हर्ट। तो हर्ट के फोर चैम्बर होते हैं, तो मैं यहाँ पे वही हर्ट के फोर चैम्बर ड्रॉ करूँगा। तो दीज आर द फोर चैम्बर ऑफ हर्ट। ओके, हर्ट के फोर चैम्बर है। इस साइड के दोनों क्या है, राइट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ लीवर। तो जो मैंने ऑरेंज स्केच से जो ड्रॉ किया है, दिस इज फीटस लीवर। देखिए, यहाँ जो भी होगा सब फीटस का होगा क्योंकि हम देख क्या रहे हैं फीटल सर्कुलेशन। तो दिस इज लीवर। ओके, एंड उसके बाद ये हमारा लीवर हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे लीवर के अंदर बेसिकली लीवर को सप्लाई कौन करती है, लीवर के लिए हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे पोर्टल वेन। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पोर्टल वेन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये दिस इज पोर्टल वेन। ये क्या है, ये पोर्टल वेन है और ये लीवर के पास आते आते दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट। तो बेसिकली ये हमारी पोर्टल वेन थी जो नीचे से आ रही है एंड देन ये लीवर में आते आते दो पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट ब्रांच ऑफ, सॉरी दिस इज लेफ्ट। बड़ा देखिए ना, ये बड़ा वाला लोब राइट साइड होता है, इसका जो पॉइंटेड होता है वो लेफ्ट होता है। तो दिस इज द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड दिस इज राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ओके, तो पोर्टल वेन राइट राइट एंड लेफ्ट दो ब्रांच में डिवाइड हो गई। तो ये हो गई पोर्टल वेन। चलिए हम इन चैम्बर की नेमिंग भी कर देते हैं। ये क्या होगा, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हर्ट के फोर चैम्बर हो गए। इसके बाद अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अम्बिलिकस, क्योंकि बेसिकली अम्बिलिकस से तो निकलती है अम्बिलिकस आर्टरी और अम्बिलिकस वेन, और वही आई मीन फीटस को प्योर ब्लड देती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और फीटस से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है कौन, अम्बिलिकस, सॉरी अम्बिलिकस या बोल दीजिए प्लेसेंटा। अम्बिलिकस के थ्रू प्लेसेंटा, अम्बिलिकस कहाँ होती है, फीटस में। ओके, एंड फीट यहाँ पे क्या होगी, प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा के थ्रू ही अम्बिलिकस आर्टरी निकलती है, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी इंटर करती है एंड अम्बिलिकल वेन बाहर निकलती है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, दिस इज अम्बिलिकस। तो ये हुई अम्बिलिकस। देखिए, आपको सारा चीज़ अभी एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई अम्बिलिकस। अब देखिए, अम्बिलिकस से क्या निकलती है, अम्बिलिकस से निकलती है अम्बिलिकस वेन जो कि फीटस को प्योर ब्लड देती है। देखिए, यहाँ जो भी सामान ड्रॉ करूँगा सारा फीटस का ही होगा, मोम का कुछ नहीं होगा, मदर का कुछ नहीं होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अम्बिलिकल वेन। और देखिए, जो ग्रीन से ड्रॉ करूँगा, देखिए मैं अलग अलग स्केच का पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम अच्छा लगे, क्लियर लगे। ओके, मतलब समझ में आना चाहिए डायग्राम। ओके, इसलिए मैं अलग अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्रीन मतलब दिस इज अम्बिलिकल वेन। तो जो मैंने ग्रीन स्केच से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज अम्बिलिकस वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। और बेसिकली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कहाँ डालती है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर। ये पोर्टल वेन है, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड दिस इज राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो ये क्या थी, दिस इज अम्बिलिकल वेन, यानी कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं हैंड टू हैंड, दिस इज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ओके, तो जो ग्रीन से ड्रॉ किया है, दिस इज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। और बेसिकली इसके पास क्या है, इसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो अम्बिलिकस वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है फीटस में, कहाँ पे, लीवर के अंदर। मतलब लेफ्ट अम्बिलिकल वेन अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ डालती है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर। ये क्या है, दिस इज पोर्टल वेन। दिस इज पोर्टल
वेन, ओके, ये है पोर्टल वेन एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन. तो ये क्या हुई, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन. ओके, तो जो ये ब्लैक वाली है ये क्या है, दिस इज लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, दिस इज राइट ब्रांच, ये वाली होगी राइट ब्रांच. ओके, तो दिस इज राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल. देखिए ये पोर्टल वेन है, ऊपर जाके दो पार्ट में डिवाइड हुई, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच. ओके, तो अम्बिलिकल, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ने अपना प्योर ब्लड कहाँ डाला, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर. ओके, एंड देन फिर देखिए जो ये लेफ्ट, देखिए जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है इसके बाद क्या होता है, ये लीवर को बाईपास करती है, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लीवर के अंदर नहीं जाता है, लीवर से बाईपास होता है. बाईपास मतलब, अब ये बाईपास मतलब वही होता है ना कि आपको किसी मतलब जगह जाना है तो आप उसके पास से होकर निकल गए, मतलब उस जगह के अंदर से नहीं गए, पास से होकर निकल गए. तो वैसे ही है, जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर के अंदर नहीं जाता है, लीवर से बाईपास होता है. तो लीवर से बाईपास होगा और कहाँ जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर. ओके, तो अब हम यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा ड्रॉ करेंगे. अब वो कैसे ड्रॉ करनी है, तो उसको ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर. तो देखिए जो मैं ब्राउन करके, बेसिकली इन्फीरियर वेना कावा कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के अंदर ही क्या ओपन होती है, सुपीरियर वेना कावा. तो ये ऊपर वाली क्या होगी, ये ऊपर वाली होगी बेसिकली, दिस इज सुपीरियर वेना कावा और इसी के अंदर क्या ओपन होती है, इन्फीरियर वेना कावा. तो नीचे वाली क्या होगी, दिस इज इन्फीरियर वेना कावा. आप जब भी लीवर का पोस्टीरियर रिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि फोसा फोर इन्फीरियर वेना कावा, दिस इज द बेयर एरिया ऑफ लीवर. ओके, तो जो मैंने ये ड्रॉ की है, दिस इज, ये क्या है, ये है हमारी इन्फीरियर वेना कावा. तो दिस इज आई वी सी, ये क्या थी, एस वी सी. सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों का दोनों अपना ब्लड कहाँ डालती है, राइट एट्रियम के अंदर. ओके, अब देखिए बेसिकली हमें लीवर को बाईपास करना है कहाँ से, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन टू आई वी सी. अगर ब्लड लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन टू आई वी सी इन्फीरियर वेना कावा के अंदर गया तो बेसिकली हमारा लीवर बाईपास हो जाएगा. तो जो वेन लीवर को बाईपास करती है उसका नाम क्या है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज से, सॉरी येलो स्केच से. तो जो ये वाली है, येलो वाली, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली लीवर से लीवर को बाईपास कर रही है. और जो येलो वाली, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं, दिस इज डक्टस विनोसस. ओके, तो जो येलो वाली है इसे बोलते हैं डक्टस विनोसस. डक्टस विनोसस ने कहाँ, मतलब डक्टस विनोसस किस किस को कनेक्ट कर रही है, डक्टस विनोसस कनेक्ट कर रही है इन्फीरियर वेना कावा को लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, मतलब कि लेफ्ट, देखिए सीक्वेंस है हर चीज, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, इसने ब्लड कहाँ डाला, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर, देन लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इसने ब्लड कहाँ डाला, डक्टस विनोसस में, देन डक्टस विनोसस ने ब्लड कहाँ डाला, इन्फीरियर वेना कावा में. तो इस रूट में देखिए सारे नाम सीक्वेंस है, लेफ्ट के बाद इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ब्लड इसमें जाएगा. तो बेसिकली कहीं लीवर का नाम आया नहीं, तो बेसिकली डक्टस विनोसस इसने क्या किया, लीवर को बाईपास किया. तो देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि लीवर को कौन सी वेन, मतलब कौन सी ट्यूब बाईपास करती है, तो उसका तो आंसर आएगा हमारे पास डक्टस विनोसस, तो बाईपास लीवर. तो इसने बेसिकली हमारे लीवर को, बंदे के मतलब छोटे बच्चे के लीवर को बाईपास कर दिया. ओके, तो ये हो गया. और बेसिकली लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन ये कहाँ होती है, इन लीवर, ये बेसिकली लीवर के अंदर तो मिलती है, देखिए ना लीवर के अंदर तो दिख रहा है, ये लीवर हमने येलो से पूरा लीवर ड्रॉ कर रखा है, तो ये आपको लीवर के अंदर मिलती है, इन लीवर. ओके, ये हो गया. अब बेसिकली हमारा देखिए इससे गया इसमें, इसके बाद ये ब्लड का फ्लो हो गया ऐसे, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से कहाँ गया, डक्टस विनोसस, इसने क्या किया, लीवर को बाईपास किया. डक्टस विनोसस ने ब्लड कहाँ डाला, इसने ब्लड डाला इन्फीरियर वेना कावा के अंदर. तो देखिए ब्लड इन्फीरियर वेना कावा के अंदर आ गया, ब्लड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम के अंदर. अब देखिए राइट एट्रियम से हमें ब्लड भेजना है, मतलब राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में. कैसे, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है अब लेफ्ट एट्रियम में, तो बेसिकली यहाँ पे कोई छेद होना चाहिए, तो जिस फोरामेन या जिस छेद के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है उसे बोलते हैं, दिस इज फोरामेन ओवेल. ओके, तो फोरामेन ओवेल आपको कहाँ मिलेगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच की जो वाल है उस पर मिलता है, ओनली फीटस में मिलेगा. ओके, अभी हम क्लियर करेंगे. तो जो मैंने ये गोला गोला किया है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज फोरामेन ओवेल.
ओके, तो दिस इज फोरामेन ओवल, ऑरेंज कलर किसके से ड्रॉ किया है। ओके, तो जो ऑरेंज कलर वाला है इसने क्या किया, दिस इज फोरामेन ओवल, कहाँ होता है, बिटवीन, ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो वाल होती है उसके बीच प्रेजेंट होता है। और बेसिकली इसने क्या बाईपास किया, इस फोरामेन ने किस चीज़ को बाईपास किया, इस फोरामेन ने बेसिकली हमारे पल्मोनरी सर्किट को बाईपास किया। तो दिस इज बाईपास, देखिए ये बाईपास वाले सारे ध्यान रखना, बाईपास पल्मोनरी सर्किट, ओके देखिए डक्टस विनोसस इसने किया लीवर को बाईपास, फोरामेन ओवेल इसने बाईपास किया पल्मोनरी सर्किट को, मतलब हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ नहीं गया, हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास नहीं गया, क्योंकि आपको बता होगा ना फीटल सर्कुलेशन में लंग्स का कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ लंग्स, फीटल सर्कुलेशन में लंग का कोई काम नहीं है, आपको यहाँ लंग्स मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन फीटस के लंग्स के अंदर नहीं होता है, आफ्टर बर्थ ही बंदे के या फीटस के लंग एक्टिव होते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने लंग ड्रॉ भी नहीं किया है, करेंगे भी नहीं। ओके, इसके बाद देखिए राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ गया। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होती है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ट्यूब बाहर निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी अओर्टा, और अओर्टा के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा एंड डिसेंडिंग अओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी अओर्टा, अओर्टा के तीन पार्ट, दिस इज असेंडिंग अओर्टा, देन होगी हमारी आर्च ऑफ अओर्टा, देन होगी डिसेंडिंग अओर्टा, एंड डिसेंडिंग अओर्टा के थ्री पार्ट होते हैं, थोरेसिक अओर्टा, एब्डोमिन अओर्टा एंड उसकी टर्मिनल ब्रांचेज। देखिए अभी सारी नेमिंग करेंगे धीरे धीरे, टेंशन मतलब सब काम करेंगे, आपको देखना फीटल सर्कुलेशन एकदम टिप्स पे हो जाएगा, बस एक बार ये चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए पूरा का पूरा, थोड़ा टाइम लगेगा यार, देखिए स्टार्टिंग में पढ़ने में टाइम लगता है, एंड देन फिर आप ओन टिप्स और तो अपना दिमाग खुजाएंगे और आप एकदम झकास एकदम क्लियर कट मतलब मस्त डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे विद कॉन्सेप्ट, रटने का कुछ नहीं है, एक बार समझ जाएंगे तो हो जाएगा। तो अभी हम सारी नेमिंग करेंगे, पहले एक बार इसको ड्रॉ कर देते हैं अओर्टा वाले पूरे पार्ट को, तो देखिए दिस इज असेंडिंग अओर्टा, अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे आर्च ऑफ अओर्टा, तो देखिए आर्च ऑफ अओर्टा से बेसिकली तीन ब्रांच निकलती हैं, दिस इज ब्रेकियोसिफेलिक, राइट ब्रेकियोसिफेलिक, ये कौन सी राइट ब्रेकियोसिफेलिक, उसके बाद होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, सॉरी यस लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, एंड एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन। ओके, तो दिस इज लेफ्ट, देखिए ऊपर मतलब हेड नेक को जाएगी, कॉमन सी बात है ना, तो कौन सी जाती है हेड नेक को, कॉमन कैरोटिड, दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन कहाँ जाती है हमारे अपर लिम में, तो ये लेफ्ट वाली है तो बेसिकली कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड के अपर लिम में। उसके बाद देखिए दिस इज राइट ब्रेकियोसिफेलिक, राइट ब्रेकियोसिफेलिक इन्हीं दो में डिवाइड होती है, मतलब राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड, तो राइट ब्रेकियोसिफेलिक है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ओके, देखिए अब हमारा ये वाला हमारा मेन एम ये नहीं है कि आर्च ऑफ अओर्टा क्या ब्रांचेज होती है, इसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके देख लेना। तो दिस इज राइट ब्रेकियोसिफेलिक, आगे जाके टू पार्ट में, दिस इज राइट सबक्लेवियन, दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड। ओके, तो दिस इज असेंडिंग अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा, डिसेंडिंग अओर्टा। तो कब हम असेंडिंग बोलते हैं, कब किसके बाद हम आर्च बोले, किसके बाद हम डिसेंडिंग बोले, तो इसका जो लेवल होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। हमने आपको एक्सटर्नल एंगल की हमारी एक सेपरेट वीडियो है, इसमें बताया था कि एक्सटर्नल एंगल पर कौन एंड होती है, असेंडिंग अओर्टा, असेंडिंग अओर्टा एक्सटर्नल एंगल पर एंड होती है और उसी से स्टार्ट होती है आर्च ऑफ अओर्टा। ओके, तो जो ये डॉटेड लाइन खींची है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल। ओके, तो एक्सटर्नल एंगल से ही आर्च ऑफ अओर्टा की स्टार्टिंग होगी एंड एक्सटर्नल एंगल पर ही आर्च ऑफ अओर्टा खत्म होगी और एक्सटर्नल एंगल से ही डिसेंडिंग अओर्टा स्टार्टिंग होती है। एंड देन इसके बाद ये क्या होती है, दिस इज थोरेसिक अओर्टा, मतलब ये अओर्टा हमारे थोरेक्स में प्रेजेंट होगी, तो दिस इज थोरेसिक अओर्टा। और इसके नीचे क्या होगी, इसके नीचे होगी बेसिकली हमारी एब्डोमिनल अओर्टा। और बेसिकली एब्डोमिनल अओर्टा आगे जाके टू टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। टू टर्मिनल कौन सी है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ओके, तो दीज आर कॉमन इलियक आर्टरी बोथ, एक होगी राइट वाली, एक होगी लेफ्ट वाली, तो दीज आर कॉमन इलियक आर्टरी।
एंड ईच कॉमन इलियक आर्ट्री आर डिवाइड इंटू टू पार्ट, एक होती है इंटरनल इलियक आर्ट्री, एक होती है एक्सटर्नल इलियक आर्ट्री. ओके, तो दिस इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल इलियक आर्ट्री कहाँ जाती है? हमारे लोअर लिम में. एक्सटर्नल इलियक आर्ट्री तो फीमोरल आर्ट्री बनाती हैं. ओके, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, तो दिस इज एक्सटर्नल इलियक एंड दिस इज इंटरनल इलियक. ये वाली होगी एक्सटर्नल, ये वाली होगी इंटरनल. तो दिस इज इंटरनल. ओके, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्ट्रीज. ओके, वैसे ही ये वाली कौन सी होगी? दिस इज सॉरी ये तो इंटरनल होगी ना, ये वाली होगी इंटरनल, INT मतलब इंटरनल. ये वाली कौन सी होगी? दिस इज एक्सटर्नल. ओके, ये हो गया. मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? असेंडिंग अवोल्टा में. असेंडिंग अवोल्टा से कहाँ जाएगा? आर्च ऑफ अवोल्टा में. आर्च ऑफ अवोल्टा से ब्लड कहाँ जाएगा? बेसिकली हमारे थोरेसिक अवोल्टा में. थोरेसिक अवोल्टा से कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल अवोल्टा में. एब्डोमिनल अवोल्टा से कहाँ जाएगा? राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्ट्री में. ओके, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. एंड इसके बाद कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्ट्री में. ओके, ये हो गया. अब देखिए, हमने बेसिकली मदर से, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मदर से ही तो आ रहा है. बेसिकली यूट्रस की जो सारी आर्टरीज होती है उसी से निकलती है ना ये वाली. तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो भेज दिया. अब बंदा जो भी, बंदे का जो भी मतलब जो फीटस है, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा? वापस मदर के पास. मतलब मदर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, तो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी तो मदर ही प्योर करके देगी. क्यों? क्योंकि फीटस के अंदर लंग्स एक्टिव नहीं है. अगर फीटस के अंदर लंग्स एक्टिव नहीं है तो बेसिकली ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा? नहीं, मतलब फीटस के अंदर तो नहीं होगा ना, क्योंकि फीटस में लंग्स एक्टिव नहीं है, तो फीटस के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है. तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करती है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है हमारी मदर. ओके, मदर ही ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेगी. मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस कहाँ जाएगा? मदर के पास. तो देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो गया एक आर्टरी के थ्रू बच्चे में, मदर टू बच्चा, मदर टू फीटस, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन के थ्रू गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब बेसिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? फीटस टू मदर. फीटस टू मदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है टू अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू. देखिए, यह सब उल्टा है. वेन में तो बोल रहे हैं, अम्बिलिकल वेन में तो बोल रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, एंड आर्टरी में बोल रहे हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऐसा ही है, मैं कोई गलती नहीं बोल रहा, ऐसा ही है. ओके, तो बेसिकली जो दो आर्टरीज होती है जो कि फीटस टू मदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो निकलती कहाँ से हैं? वो निकलती है इंटरनल इलियक आर्टरी से. एक राइट इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलेगी, एक लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलेगी. ओके, देखिए ना, ये वाली कौन सी होगी? दीज आर राइट. और इस साइड वाली कौन सी होगी? दीज आर लेफ्ट. ओके, तो एक अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी से, और दूसरी अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है राइट इंटरनल इलियक आर्टरी से. और बेसिकली दोनों इम्प्योर, दोनों की दोनों आर्टरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हमारी मदर के अंदर. मतलब कहाँ पे? दिस इज प्लेसेंटा. ये बेसिकली प्लेसेंटा है. तो एक अम्बिलिकल आर्टरी ये हो गई एंड दूसरी अम्बिलिकल आर्टरी ये हो गई. ओके, इनमें ब्लड का फ्लो कैसे होगा? ऐसे ऐसे ही तो होगा, क्योंकि बेसिकली ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है. ओके, देखिए ना, नीचे गया, इसके बाद इसमें जाएगा. ओके, ऐसे हो गया. तो वो था, ये क्या है? दीज आर अम्बिलिकल वेन. ये वाली कौन सी होगी? दीज दिस इज लेफ्ट. ये कौन सी होगी? दिस इज राइट. तो दीज आर राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी. सॉरी, आर्टरी होगी, वेन तो ऊपर है ना, अम्बिलिकल. तो दीज आर राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी. और बेसिकली अम्बिलिकल आर्टरी अपना इसमें क्या, इनमें अम्बिलिकल आर्टरी में क्या होता है? इसके अंदर होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखिए, कन्फ्यूजन मत होना. आर्टरी के यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, आर्टरी के अंदर बेसिकली प्योर होता है ना, ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड. जैसे पल्मोनरी में होता है ना, पल्मोनरी वेन में क्या होता है? पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड. तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है, वेन में प्योर है, आर्टरी में इम्प्योर है. ओके, तो दोनों गई वापस कहाँ पे? एंड देन बेसिकली प्लेसेंटा, ये किससे, इसका किससे जुगाड़ होता है? इससे जुगाड़ होता है यूट्रस से.
यूट्रस, UTERUS, किसके यूट्रस से? मदर के। ओके बेसिकली ये पूरी के पूरा सामान इधर से आएगा। ओके ये हो गया। तो देखिए हमने आपको पूरा सर्किट ड्रॉ कर दिया कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, इससे गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ गया लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, उसके बाद डक्टस विनोसस, इसने लिवर को बाईपास किया, इससे गया IVC में, IVC से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया दिस इज अवोल्टा। ये कौन सी थी? दिस इज असेंडिंग, असेंडिंग, दिस इज आर्च एंड दिस इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग होगी ना, थोरेसिक अवोल्टा, ये भी डिसेंडिंग है। थोरेसिक अवोल्टा को दो, कोई में दो लिखा, कोई में तीन लिखा है, लेकिन थोरेसिक डिसेंडिंग अवोल्टा को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, थोरेसिक तो तीन में डिवाइड करते हैं, तीन में, थोरेसिक एब्डोमन एंड उसकी टर्मिनल ब्रांचेज। ओके तो दिस इज असेंडिंग अवोल्टा, दिस इज आर्च ऑफ अवोल्टा। ओके तो LV से गया असेंडिंग में, असेंडिंग से गया आर्च में, आर्च से गया डिसेंडिंग में, मतलब थोरेसिक में, थोरेसिक गया एब्डोमेन में, एब्डोमेन गया कॉमन इलियक, कॉमन इलियक से गया एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल इलियक में से डायरेक्ट गया इंटरनल इलियक आर्टरी से, कहाँ गया अम्बिलिकल आर्टरी में, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, मतलब लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी से गया लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी में, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी से गया राइट अम्बिलिकल आर्टरी में, और राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी दोनों के दोनों इंप्योर ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हमारे प्लेसेंटा के, मतलब प्लेसेंटा के अंदर, मदर के प्लेसेंटा के अंदर। ओके एंड वहाँ पे क्या क्यों जाती है? फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ओके अब देखिए आपको यहाँ पे एक दिमाग लगा रहा होगा, कोई बंदे दिमाग लगाते होंगे कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं, मतलब आपने राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम भेज दिया, ये तो एबनॉर्मल है। बेसिकली नॉर्मली ब्लड कैसे जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, नॉर्मली ऐसे जाता है। बट आपने, मैंने यहाँ पे कोई इसका यूज किया ही नहीं, मैंने राइट वेंट्रिकल का यूज किया क्या? नहीं किया ना। राइट से मैंने लेफ्ट एट्रियम में भेजा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा एंड इससे अवोल्टा में भेज दिया। अब देखिए हाँ इसमें हम जाता है क्योंकि हमने बताया नहीं था, इसका थोड़ा अलग अलग है। ओके अलग कैसे बताते हैं अभी। अब देखिए हमें भेजना है राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे होता है ना बाइक स्पीड, सॉरी जो भी होता होगा, मतलब एक जगह बाइक स्पीड होता है, एक जगह ट्रैक स्पीड होता है। ओके तो यहाँ पे वाल्व होगा, वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? हमारी पल्मोनरी ट्रंक। तो अब हम यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक ड्रॉ करेंगे, तो ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं पल्मोनरी ट्रंक, एंड पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके टू पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक, तो ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, एंड पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ गया? राइट एंड लेफ्ट। ओके तो ये क्या है? दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ओके राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके तो बेसिकली हमने पहले क्या बताया था? पहले बताया था IVC से गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आर्च असेंडिंग अवोल्टा, आर्च से पोर्टा डिसेंडिंग अवोल्टा, ये बताए थे पहले। अब हम बता रहे हैं सर्किट कौन सा, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ फोरामेन होते हैं ना, देन राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में, एंड पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड होती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी? राइट लंग में। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी? लेफ्ट लंग में। लेकिन बंदे के फीटस का लंग्स तो एक्टिव नहीं है, तो बेसिकली अब हम क्या करें? अब हमें इसको भी लफड़ा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मतलब इसको भी हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये ब्लड हमारा लंग्स तक नहीं जाए। तो जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, देखिए पूरी की पूरी लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पूरी की पूरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ की है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरा चार्ट है, ये मैंने समझने के लिए ड्रॉ किया है, ऐसा मतलब आप ऐसा रियल मत मान लियो, मतलब कि मैंने जैसे ये चार्ट ओनली समझने के लिए है कि आपको फीटल सर्कुलेशन समझ में आए। ओके तो इतनी लंबी हमने ड्रॉ की है, दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब हमें बेसिकली इससे ऐसा जुगाड़ करना है कि ये ब्लड बेसिकली यहाँ आ जाए, कहाँ पे? आर्च ऑफ अवोल्टा में। तो यहाँ पे भी एक ट्यूब होती है,
जैसे यहाँ पे डक्टस स्पिनोसस था ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक ट्यूब होती है जो कि किस किस को जोड़ती है, वो जोड़ती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को आर्च ऑफ अओर्टा के लेफ्ट एंड से। दिस इज राइट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा, दिस इज लेफ्ट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा। ओके, तो यहाँ एक ट्यूब ड्रॉ करनी है हमको, तो मैं वो ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज से। तो एक ये ट्यूब है, इसने क्या किया, लेफ्ट पल्मोनरी देखिए ना, लेफ्ट है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को राइट, सॉरी लेफ्ट देखिए ना, लेफ्ट है तो बेसिकली आर्च ऑफ अओर्टा का भी तो लेफ्ट एंड होगा ना, तो जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है उसको जोड़ा किससे, लेफ्ट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा से। देखिए मैंने इसको ओपन का किया है एक्सटर्नल एंगल के ऊपर, तो अभी भी क्या है, ये आर्च ऑफ अओर्टा है। तो इस ट्यूब ने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा से जोड़ा, और इस ट्यूब का नाम क्या है, इस नलची का नाम है, इसे बोलते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, तो बेसिकली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड गया ऐसे, ब्लड गया ऐसे, ब्लड गया ऐसे, डक्टस आर्टेरियोसस में घुस गया अंदर, और इसके थ्रू कहाँ पे आ गया, इसके थ्रू आ गया वो हमारे आर्च ऑफ अओर्टा में, एंड देन आर्च ऑफ अओर्टा से वही थोरेसिक अओर्टा, थोरेसिक से एब्डोमन, एब्डोमन से कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक से इंटरनल इलियक, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी से निकलती है राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, एंड गया वापस मदर के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, तो देखिए पूरा सर्किट हो गया, ये वो एक ये वाला, ओके पूरा सर्किट हो गया। ओके, तो देखिए हमने सब कुछ ड्रॉ कर दिया है, तो देखिए डक्टस फिनोसस हो गया, एंड ये क्या होगा, दिस इज लेफ्ट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा, वहाँ पे ओपन होती है। तो डक्टस फिनोसस इसने किस किस को कनेक्ट किया, लेफ्ट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट एंड ऑफ आर्च ऑफ अओर्टा से। ओके, ये हो गया। तो देखिए हमने सब कुछ पूरा का पूरा फीटल सर्कुलेशन आपको बता दिया है एकदम कॉन्सेप्चुअल। अब आते हैं एक बार स्पीडली कि हमें मतलब स्पीडली देखते हैं, तो देखिए मतलब पूरे को स्पीडली देखते हैं। ओके, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था, चलो सब भूल जाइए, हमने कुछ बताया नहीं अभी तक। अब आते हैं स्टार्टिंग से, सबसे पहले ना हार्ट ड्रॉ किया, हार्ट में चार चैम्बर, उसके बाद देन लीवर, लीवर में हमने बताया, फिर पोर्टल वेन, एंड देन पोर्टल वेन के अंदर क्या बताई, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ओके, ये हो गया। एंड देन देखिए राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के बाद हमने आपको क्या ड्रॉ कराया था, इसके बाद हमने आपको ड्रॉ कराया था यहाँ पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से निकलती है ओनली वन अम्बिलिकल आर्टरी, उसका नाम क्या है, लेफ्ट अम्बिलिकल सॉरी वेन, प्लेसेंटा से निकलती है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन हमारे फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, इसी से बंदा फीटस न्यूट्रिशन लेता है। तो ये निकली, अब बेसिकली लेफ्ट अम्बिलिकल वेन निकली और बेसिकली कहाँ जाके अपना ब्लड ड्रेन किया, कहाँ जाके कनेक्ट हुई, ये ड्रेन हुई लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इन लीवर के अंदर ये इसने अपना ब्लड ड्रेन किया। उसके बाद क्या है, हमको हमें लीवर को बाईपास करना है, मतलब लीवर के अंदर नहीं जाना, लीवर के पास से निकलना है। तो लीवर के पास से निकलने के लिए बेसिकली हमने यूज़ किया किसका, डक्टस फिनोसस का। डक्टस फिनोसस ने क्या किया, बाईपास लीवर, इसने लीवर को बाईपास किया, और बेसिकली डक्टस फिनोसस ये कनेक्ट करता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को आईवीसी से। तो देखिए ये वाली पूरी पूरी क्या है, दिस इज आईवीसी, यहाँ लिख रखा है दिस इज आईवीसी। अब बेसिकली हमारा ब्लड आ गया आईवीसी के पास, तो बेसिकली आईवीसी एंड एसवीसी, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, दोनों कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम के अंदर। ओके, अब बेसिकली हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम के अंदर। अब बेसिकली हमें भेजना है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, तो ऐसे जाएगा नहीं, नॉर्मली आप एडल्ट में देखिए राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है, लेकिन बच्चे में जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे के पास होता है फोरामेन ओवेल। तो बेसिकली फोरामेन ओवेल कहाँ है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और बेसिकली इसने हमारे लंग्स को बाईपास कर दिया है, क्यों, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, उसके बाद जाता है लंग्स के पास, राइट वेंटिकल के थ्रू लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स में नहीं जा रहा है। ओके, क्योंकि राइट एट्रियम से लंग्स में जाएगा, राइट वेंटिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स में, लंग्स के जाने के बाद कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो बेसिकली हमने डायरेक्ट ही राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया, तो हमने लंग्स को बाईपास कर दिया, यानी कि पल्मोनरी सर्किट को बाईपास कर दिया। तो अब आ गया, अब हमारा ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, असेंडिंग अओर्टा, असेंडिंग से जाएगा आर्च ऑफ अओर्टा, आर्च ऑफ अओर्टा से जाएगा डिसेंडिंग अओर्टा, डिसेंडिंग मतलब थोरेसिक एब्डोमन एंड उसकी टर्मिनल ब्रांच। ओके, एंड देन उसके बाद गया कॉमन इलियक में, कॉमन इलियक के बाद गया इंटरनल इलियक, क्योंकि कॉमन इलियक आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड देन इंटरनल इलियक से निकलती है दो ब्रांचेज, मतलब सॉरी दो नहीं निकलती, मतलब एक इंटरनल इलियक से एक ही ब्रांच निकलती है, वो होती है लेफ्ट, मतलब वो होती है अम्बिलिकल आर्टरी, मतलब कि लेफ्ट वाली इंटरनल इलियक से निकलेगी लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, राइट वाली इंटरनल इलियक से निकलेगी राइट अम्बिलिकल आर्टरी, और बेसिकली दोनों के दोनों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो भी फीटस के पास जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ भेजती है, हमारे प्लेसेंटा के अंदर। ओके, तो देखिए हमने पूरा का पूरा स्पीडली देख लिया है, इसके बाद देखिए इसमें कुछ और बातें देखनी है, उसको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, कुछ बातें बच रही है अभी, ओके उनसे भी क्वेश्चन पिकअप होते हैं।